असलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल की किचन रेसिपी। आज जो है बड़े मज़े का मेरी अम्मी के घर में आई हुई हूँ और मेरी अम्मी के हाथों का मैं आज तुम खाऊँगी। ये जो है वो ऑलमोस्ट हाफ के जी जो है वो प्याज है, इसके अंदर लहसुन के साथ इसको ऑयल में ब्राउन करेंगे। अच्छा जी, थोड़ा प्याज ब्राउन होगा, इसको लहसुन अदरक के साथ पेस्ट के साथ अच्छे से और ब्राउन करेंगे। और ये 1 kg जो है वो ये मटन है। अच्छा, जब प्याज ब्राउन हो जाएगा तो इसमें गोश्त को भी ऑयल और प्याज के साथ अच्छे से ब्राउन करेंगे। अच्छा, मसाले में थोड़ी हल्दी डालेंगे, 1/4 teaspoon, 1 tablespoon जो है वो इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे, 1 tablespoon ही जो है वो इसमें नमक ऐड करेंगे, 1 tablespoon इसमें जो है वो पीसा सूखा धनिया डालेंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मसाले को भी भून लेंगे। अब इसे पानी ऐड करके गलने के लिए रख लेंगे। जी, ये कोरमा स्पेशल जो हम बना रहे हैं उसके जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, सारे मसाले हैं, इनको ग्राइंडर में पीस के इसके ड्राई मसाले बनेंगे और यही कोरमे में जो है वो डलेगा, ये मेन इंग्रेडिएंट है। अच्छा जी, ये कोरमा मसाला है, आप इसे ड्राई रोस्ट कीजिएगा, पहले तवे पे भून के उसके बाद जो है इसे ग्राइंड कीजिएगा। अब हम इसे गोश्त में ऐड करेंगे, गोश्त हाफ डन हो जाए फिर हम कोरमा मसाला ऐड करके और पकाएंगे। जब गोश्त डन हो जाएगा तो इसके अंदर दही डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। अब इसको 10 मिनट जो है कोरमे को दम पे रखेंगे, फिर ये रेडी हो जाएगा। जी, मेरी अम्मी जान की स्पेशल कोरमा रेसिपी है, ये डन है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, लाइक और शेयर भी किया कीजिए। अल्लाह हाफिज़।